मैं जा रही हूँ एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे में. मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से थोड़ी दूर में एक हिल स्टेशन है, उसका नाम है नंदी हिल्स. तो बहुत अच्छा ही है वो, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बहुत मतलब उधर थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट है, खाने का भी सब अरेंजमेंट्स किया हुआ रखा हुआ है. तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके थोड़ा, मतलब यू नो यू कैन फ्री योर माइंड. इट्स अ हिली एरिया, इज लिटिल कोल्ड, यू नो नॉट दैट ह्यूमिड. तो दैट्स दैट एंड लेट्स गो. सामने आप देख रहे हैं यही है नंदी हिल्स. अभी हम लोग फुट हिल्स में हैं. इसके चारों ओर रास्ता बनाया हुआ है और उसी से हम लोग एकदम हिल टॉप में चढ़ेंगे. सो आप देख लो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग. लाइक हाफ वे थ्रू अभी नंदी हिल्स पहुंच गई हूँ और थोड़ा सा ही बाकी है रास्ता, फिर आई विल बी ऑन द हिल टॉप. आज का मौसम मतलब इट्स यू नो सनी, नॉट दैट कोल्ड. विंटर में स्प्रिंग का एहसास होना जैसा होता है वैसा है आज का वेदर. और आई लाइक वी हैव क्लियर स्काई एंड यू नो ब्यूटिफुल सनी डे. सो ऑलमोस्ट देयर, ऊपर चलते हैं. ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, सिर्फ हिल टॉप में चलते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ मैं वहाँ कैसा है. There are almost 40 curves or bends, whatever you want to call it, and then you reach the hilltop.
तो यही है नंदी हिल्स का मेन एंट्रेंस. सो अभी हम लोग हिल टॉप पे पहुंच गए हैं. यहाँ पर ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग का भी अरेंजमेंट है. सो इफ यूर एडवेंचर इज इनफ यू कैन सर्टनली एंजॉय ऑल दिस एक्टिविटीज. As you can see, it is extremely good for trekking, if you will. So, if you guys have all the equipments, then come and enjoy here. जैसे आप देख सकते हो मैं अभी नंदी हिल्स में हूँ. ये है हिल और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो भी एक हिल है. इधर थोड़ा बैठने का जगह है, यहाँ पर आके आप बैठ सकते हो. और आज बहुत ही सनी है, जैसे आप देख रहे हो आई एम लाइक कम्प्लीटली अंडर द सन. और टूवर्ड्स दिस साइड इज प्रिटी फॉगी, सो विजिबिलिटी उतना नहीं है, तो अब मैं आपको दिखा नहीं सकती उस तरफ क्या है. लेकिन इस तरफ थोड़ा बहुत लोग रहते हैं, घर वर है थोड़ा सा और ऐसा है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. मतलब फॉर रिक्रिएशन, जस्ट फॉर यू नो अ डे यू कैन कम हियर, स्पेंड द एंटायर डे एंड यू नो हैव फूड एंड देन गो बैक होम. लाइक इट्स अ परफेक्ट गेट अवे एंड मतलब एक दिन के लिए तो बहुत इज वेरी नाइस. ये और एक स्पॉट है नंदी हिल्स. जब आप आओगे तो इट्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये एक सेमी सर्कुलर एक स्पॉट है, इट्स लाइक फॉर व्यूइंग एंड ऑल. सो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो. तो यहाँ पर भी आप व्यू देख सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा सा व्यू एंजॉय करने के लिए. ये नंदी हिल्स एक्चुअली टीपू सुल्तान का फोर्ट हुआ करता था एंड ही यूज्ड टू कम हियर ड्यूरिंग समर बिकॉज इट्स एज इट इज़ ऑन द हिल टॉप इट यूज़ टू बी वेरी कूल. सो टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस यू नो ह्यूमिड क्लाइमेट ही यूज़ टू कम हियर, स्टे हियर फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन गो बैक. सो ऐसा ही कुछ स्टोरी है. मुझे भी कुछ अच्छे से नहीं पता है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट यूज़ टू बी. सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्पॉट एज यू कैन सी. Thank you.
I already have vertigo, so hilltop mein aana is actually a very big deal for me. And moreover, on that very day, there was a huge throng of people. So I spent only a couple of hours there and then I came back home. So I'm heading back home right now. जाते के time जाने के time मैं वो roasted जोनार होता है ना वो खरीदूंगी और फिर घर जाके थोड़ा coffee या तो चाय कुछ तो भी पीऊंगी. Most probably coffee. Weather coffee demand कर रहा है तो coffee पीऊंगी. And मैं वो जो roasted जोनार खरीदूंगी वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी. वो जो fire में करते हैं ना वो दिखाऊंगी मैं आपको ज़रूर. तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ. मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अचीव वट एवर यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द ऑड्स बी एवर इन योर फेवर. गुड बाय.